Very good morning, children. Welcome to the cytology classroom. So, children, okay. You all are studying with me the chapter first. What is cytology? So, children, in this So, I taught you about what is cytology. I discussed with you. Okay. So, children, we have read about what is cytology. आपने जाना साइकोलॉजी क्या है? इट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ मेंटल प्रोसेस एक्सपीरियंसेस एंड बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल. द थ्री थिंग्स यू ऑल हैव स्टडी. ओके, नाउ व्हाट यू हैव टू स्टडी. नाउ आई ऑल्सो डिस्कस विद यू द इवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी. आई डिस्कस विद यू द फादर ऑफ साइकोलॉजी इज Wilhelm Wundt. I discuss with you different school of thought. Okay, now I am going to discuss with you the different branches of psychology. Okay, so the topic of today is branches of psychology. Branches of psychology. Branches of psychology is also known as the field of psychology. There are so many fields of psychology, children. Yeah, and every field have their own perspective and own viewpoint, own values. Okay, सबके अपने अपने ही perspective और viewpoint है. So branches of psychology में सबसे first branch which I will discuss with you is cognitive psychology. Cognitive psychology. What is cognitive psychology? Cognitive psychology, the word is cognition. उससे बना है cognitive psychology. So, cognitive psychology is that branch of psychology which deal with the cognition, which deal with the mental processes and memory, problem solving, decision making. So, इन सारी चीजों से cognitive psychology related है. Okay? One thing. कॉग्निटिव साइकोलॉजी वो ब्रांच होता है साइकोलॉजी का वेयर वी रीड अबाउट अ डिटेल स्टडी अबाउट द मेंटल प्रोसेसेस. मेंटल प्रोसेसेस के बारे में हम उसमें डिटेल में पढ़ते हैं. ओके, देयर आर नाउ आई होप दिस इज अंडरस्टैंड टू यू. कॉग्निटिव साइकोलॉजी ये वो ब्रांच है विच इज समथिंग डील विद द माइंड ऑल्सो. कॉग्निशन जिसका रिलेशन माइंड से है, ये इतना ब्रेन से इसका उतना कोरिलेशन और यू कैन से दैट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होता, और इसका कोरिलेशन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट माइंड से होता है. कॉग्निशन ओके, थिंकिंग थिंकिंग से रिलेटेड है. प्रॉब्लम सॉल्विंग, रिमेम्बरिंग, डिसीजन मेकिंग, मेमोरी, ठीक है, ये सारे इसके पार्ट होते हैं. किसके? कॉग्निटिव साइकोलॉजी. So now take the another branch. The second branch of psychology which you all have to study is biological psychology. What is the branch? Biological. Okay. So the second branch of psychology is the biological psychology. Biological psychology. What is the meaning of biological?
इट इंडिकेट फ्रॉम द नेम ऑल्सो चिल्ड्रेन, आप क्या पढ़ रहे हैं आपको फोकस होना बहुत जरूरी है चिल्ड्रेन. आप पढ़ रहे हैं डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी, डिफरेंट फील्ड ऑफ साइकोलॉजी. साइकोलॉजी के भी बहुत सारे फील्ड होते हैं. वन ऑफ द फील्ड इज कॉग्निटिव, अनदर फील्ड इज बायोलॉजिकल. या सो वॉट दिस फील्ड ऑफ साइकोलॉजी डील विद, ये किससे डील करता है? बायोलॉजिकल साइकोलॉजी जिस चीज से डील करता है, बायोलॉजिकल यानी फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट की बात हो रही है. समथिंग फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी, ओके. बायोलॉजिकल साइकोलॉजी मीन समथिंग फिजियोलॉजिकल. सो इट इज दैट पार्ट ऑफ फील्ड ऑफ साइकोलॉजी विच डील विद द बायोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ द ह्यूमन बींग. इट बेसिकली स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन माइंड बॉडी एंड ब्रेन, ओके. हाउ द एंड ऑल्सो इट स्टडी अबाउट द जीन्स, वॉट इज द इफेक्ट ऑफ जीन्स ऑन ह्यूमन बिहेवियर, जेनेटिक इफेक्ट, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, ये सारे जो हैं ये बायोलॉजिकल के ही पार्ट हैं. द थर्ड ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी जो इसी से ही इमर्ज होकर आया है, दैट इज अ न्यूरो साइकोलॉजी. इट इज इमर्ज फ्रॉम दिस वन ओनली. ये किससे इमर्ज होके आया है? बायोलॉजिकल साइकोलॉजी से भी से ही एक फील्ड इमर्ज होके आई है, एंड दैट इज द न्यूरो साइकोलॉजी. न्यूरो होने की वजह से ये थोड़ा स्पेसिफिक हो जा रहा है, ये वर्ड न्यूरो वर्ड दे दिया है. तो न्यूरो यानी समथिंग रिलेटेड टू न्यूरॉन. सो न्यूरॉन इज समथिंग रिलेटेड टू द ब्रेन, ओके, ब्रेन सिस्टम, ओके. न्यूरॉन आर द पार्ट ऑफ द ब्रेन. न्यूरॉन इज द बेसिक यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम, ओके. एंड चिल्ड्रेन अभी दिस इज योर फर्स्ट चैप्टर, एंड इन द थर्ड चैप्टर यू विल गोइंग टू स्टडी अबाउट द बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर. सो देयर यू आर गोइंग टू स्टडी इन डिटेल. अदर वन मोर थिंग, यू ऑल हैव स्टडीड अबाउट द न्यूरोसाइकोलॉजी न्यूरॉन इन योर क्लास 10 साइंस ऑल्सो. सो इट इज नॉट लाइक दैट यू आर नॉट अवेयर अबाउट इट. आपको न्यूरॉन्स क्या होते हैं, ब्रेन क्या होते हैं, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द ब्रेन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द न्यूरॉन, ये सारी चीजें मालूम है. ऐसा नहीं है कि ये चीजें एकदम मालूम नहीं है, ओके. सो द कॉग्निटिव साइकोलॉजी, बायोलॉजिकल साइकोलॉजी एंड न्यूरोसाइकोलॉजी, ओके. सो न्यूरोसाइकोलॉजी, आई होप यू अंडरस्टैंड, इट इज समथिंग विच इज रिलेटेड टू द माइंड, न्यूरॉन और the relationship between the mind and neuron with the human behavior. So basically children, we discussed the three field of psychology: cognitive, biological and neuro. Cognitive psychology, biological psychology and neuropsychology. Fourth branch of psychology is developmental. Fourth branch of psychology is developmental. Developmental psychology. What do you understand by the name developmental? It indicate the name from the developmental. Developmental से कुछ नाम indicate हो रहा है. So developmental psychology is that part of psychology which deal with the how the human being develop and what are the things come across during his or her development. It is a branch of psychology which discuss about the developmental period, that is the development from infancy to the old age. Development ki definition hoti hai bachcho ki development kya hai. First of all you should know what is development, okay. डेवलपमेंट तो पहले समझिए, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस फील्ड ऑफ साइकोलॉजी. सो सबसे पहले क्वेश्चन आता है डेवलपमेंट क्या है. तो डेवलपमेंट ये नहीं कि जैसे प्रॉपर्टी डेवलप हो रही है, बिल्डिंग डेवलप हो रहे हैं, दैट इज नॉट अ डेवलपमेंट. दैट इज समथिंग ग्रोथ. डेवलपमेंट मीन्स एनी थिंग विच इज प्रोग्रेसिव, चलती रहती है ऑर्डरली ऑर्डर में, एंड प्रिडिक्टेबल चेंजेस that take place from conception till death, that is development.
डेवलपमेंट क्या है एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द ह्यूमन डेवलपमेंट. ओके, ह्यूमन बिहेवियर स्टडी करते हैं, साइकोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर. सो जस्ट बी स्पेसिफिक, वी आर टॉकिंग अबाउट द ह्यूमन डेवलपमेंट. ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट में समथिंग विच इज प्रोग्रेसिव, बढ़ रही है, ऑर्डरली है, ऑर्डर में है, यानी फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक द बर्थ, फर्स्ट ऑफ ऑल द चाइल्ड इज इन द वॉम्ब ऑफ ए मदर, देन द चाइल्ड इज इन द न्यूबॉर्न स्टेज, इन्फेंसी स्टेज विच वी कॉल्ड एज इन्फेंसी, देन द चाइल्ड इज इन द चाइल्डहुड स्टेज, देन एडोलसेंस एंड देन एडल्टहुड एंड लास्टली द ओल्ड एज. सो ये ऑर्डर में हो रहा है, ऐसा नहीं होता कि इन्फेंट से आप सीधे ओल्ड एज में आते हैं. फ्रॉम एडोलसेंस यू डायरेक्टली कम टू द ओल्ड एज, फ्रॉम एडोलसेंस यू मूव टूवर्ड द एडल्टहुड, आप एडल्ट होते हैं एंड देन यू कम इन टू द ओल्ड एज. सो डेवलपमेंट क्या है? ये समथिंग प्रोग्रेसिव है, चलता रहता है, प्रोग्रेस करता रहता है, ऑर्डर में होता है और प्रिडिक्टेबल, यानी यू कैन प्रिडिक्ट द चेंजेस, यू कैन प्रिडिक्ट द चेंजेस, प्रिडिक्ट कर सकते हैं. प्रिडिक्शन मीन्स यू कैन प्रिडिक्ट द चेंजेस, प्रिडिक्शन मीन्स यू कैन प्रिडिक्ट दैट आफ्टर द इन्फेंसी कम द चाइल्डहुड पीरियड, आफ्टर द चाइल्डहुड पीरियड कम द एडोलसेंस पीरियड. ओके, सो दीज आर द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी, कॉग्निटिव साइकोलॉजी, बायोलॉजिकल, न्यूरो डेवलपमेंट. सो आई एम गोइंग टू राइट डाउन द डेवलपमेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल यू चिल्ड्रन ऑल नोट डाउन दिस फोर फील्ड ऑफ साइकोलॉजी, एटलीस्ट आप इसे नोट डाउन कर लीजिए. सो इनकी मीनिंग्स मैं आपको नोट डाउन करा रही हूँ. Now, you should note it down what is the meaning of development. Development I hope children you understand about cognitive psychology, ये आपने अच्छे से समझा होगा, biological, neuropsychology, developmental psychology we are discussing. First of all you should write down the meaning of development. Sorry, I have mistaken it here. आप इसे नोट डाउन कर लेंगे. ह्यूमन डेवलपमेंट, सो ह्यूमन डेवलपमेंट इज प्रोग्रेसिव, ह्यूमन डेवलपमेंट इज प्रोग्रेसिव, ऑर्डरली, predictable changes that take place, the human development is progressive, orderly and predictable changes that take place in a person's life that take place in a person's life that begin from that begins from conception till death. ठीक है, ये definition है development की. प्लीज नोट इट डाउन चिल्ड्रन, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए. ह्यूमन डेवलपमेंट प्रोग्रेसिव होता है, ऑर्डरली होता है और प्रिडिक्टेबल चेंजेस होते हैं इसमें, दैट टेक प्लेस इन अ पर्सन लाइफ दैट बिगिन फ्रॉम कंसेप्शन टिल डेथ. कंसेप्शन से स्टार्ट होती है डेवलपमेंट और डेथ तक डेवलपमेंट होता रहता है. सी, डोंट मिस्टेक इन द डेवलपमेंट फ्रॉम द ग्रोथ. ग्रोथ एक हद तक, एक लिमिट तक स्टॉप होती है, बट डेवलपमेंट डजंट स्टॉप. पर्सन एडल्टहुड में भी जाके डेवलपमेंट करते हैं, ओल्ड एज में भी करता है, तो डेवलपमेंट तो किसी भी स्टेज में हो सकता है. एंड डेवलपमेंट डजंट कोरिलेट टू ओनली फिजिकल डेवलपमेंट. बच्चों, फिजिकल डेवलपमेंट से ही कोरिलेट मत करना इसे. ओके, सो डेवलपमेंट इज नॉट ओनली रिलेटेड टू द फिजिकल डेवलपमेंट,
it is also, we also include about and talking about the social development, emotional development, moral development, physical development to a time period tak aake growth, which we called as growth. That is not be quoted as a development. Hum use growth kehte hain. Hum use development nahi kahenge. To jo development hai wo ek point pe aake growth ek point pe aake stop ho jati hai. But development never stop. It begins from conception. Ye conception se start hota hai aur death tak आपका डेवलपमेंट होता है. सो इट इज अ ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी. इसी डेवलपमेंट से एक ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी इमर्ज हुई है, दैट इज नोन एज डेवलपमेंटल साइकोलॉजी. ये वो ब्रांच है विच स्टडी द ह्यूमन डेवलपमेंट, व्हाट आर द फैक्टर्स एंड द प्रोसेसेस इन्वॉल्व्ड इन द डेवलपमेंट, व्हाट आर द फैक्टर विच इन्फ्लुएंस द ह्यूमन डेवलपमेंट. ये इन सारी चीजों की स्टडी करता है. जैसे फैक्टर्स क्या है, व्हाट आर द प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन द ह्यूमन डेवलपमेंट, बायोलॉजिकल, ओके, कॉग्निटिव, सोशियो इमोशनल, राइट, बायोलॉजिकल प्रोसेस, कॉग्निटिव प्रोसेस, सोशियो इमोशनल प्रोसेसेस, ये सब डेवलपमेंट के पार्ट है. ओके, चलिए. तो आई होप डेवलपमेंट की ये मीनिंग आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी एंड यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ओके, नाउ डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, इट इज दैट ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी विच स्टडी द development, this development, what are the factors which affect the human development, what are the processes involved in the human development, okay, inhi sari cheezon ki study developmental psychology karte hain. Chalo, moving to the next branch of psychology. I just hope you all have written it. Aap sabhi ne ise likh liya hoga. Branches of psychology, the next branch, the four I have discussed with you, you should write it down. This term also, cognition, cognitive psychology mein cognition kya hota hai, cognition deal with first of all you should write it, cognition means knowing. Cognition ka matlab hota hai knowing, okay, it deals with cognition means knowing, it deals with thinking, cognition means knowing, it deals with thinking, remembering, problem solving, memory, decision making. Cognition का मतलब होता है knowing. ये इसमें क्या चीजें आती हैं, thinking, remembering, प्रॉब्लम सॉल्विंग, मेमोरी, डिसीजन मेकिंग, ये सब क्या है, कॉग्निशन का पार्ट है. सो यू शुड राइट इट डाउन, दिस वन ऑल्सो आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए. सो आई हैड गिवन यू द टू टर्म्स टू रिकॉल इट इन योर मेमोरी, कॉग्निशन एंड डेवलपमेंट. ओके, बायोलॉजिकल आप यू नो व्हाट आर द बायोलॉजिकल मीन्स एंड न्यूरो मीन्स. ओके, so if you all have written it, so I'm going to rub it and now I'm going to discuss with you the next branch of psychology. The next branch of psychology is cultural psychology. There are so many parts of psychology, children.
कल्चरल साइकोलॉजी इज मेड विद द वर्ड कल्चर, कल्चर से बना है, ठीक है, कल्चर. सो इट इज दैट ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी विच स्टडी अबाउट द डिफरेंट काइंड ऑफ कल्चर, हाउ द कल्चर हैव एन इम्पैक्ट ऑन द ह्यूमन बिहेवियर, हाउ ह्यूमन बिहेवियर अफेक्ट द कल्चर एंड हाउ द कल्चर अफेक्ट द ह्यूमन बिहेवियर. सो दिस इज अ ब्रांच विच डील विद दिस वन, कल्चरल साइकोलॉजी. ओके, नेक्स्ट द सिक्स्थ साइकोलॉजी इज द क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी. क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी, क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी क्या है? कल्चर साइकोलॉजी बेसिकली, क्रॉस कल्चर मीन्स आउटसाइड द कल्चर, मीन्स अपने कल्चर में तो आप स्टडी कर रहे हो हाउ द रिलेशनशिप ऑफ अवर कल्चर विद द अदर कल्चर, दूसरे कल्चर से क्या रिलेशनशिप है. सो दैट इज अ क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी, कल्चरल साइकोलॉजी एंड क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी. नेक्स्ट नेक्स्ट ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी इज एनवायरमेंटल साइकोलॉजी. आई होप यू ऑल नो अबाउट इट, एनवायरमेंटल. एनवायरमेंटल साइकोलॉजी इज दैट ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी विच इज रिलेटेड विद द एनवायरमेंट, means it study how the environment. See children, whenever we talk about the environment, again though like the development, we can mistake it with the growth. So don't mistaken it with the only physical environment. Environment means everything. We're talking about physical environment also, means geographical environment, the climatic condition which we are living. Okay, our surrounding, our climatic condition, where we are living, weather condition, that all included under the physical environment. We are also talking about the social environment. We are also including the cultural environment. We are also including the emotional environment. So, in what is the effect of the environment on the human behavior and how the human behavior is also affecting the environment? Both of the things are discussed in this branch of psychology. So culture discuss cross cultural environment. Next branch of psychology is school psychology. Yes children, school psychology भी होती है जिसमें हम school के चीजों को discuss करते हैं, like what are the things which are related to the school psychology, like to manage, how we can manage the school, how we can manage the organization, how we can establish a good relationship between the teacher and the student and with the teacher and the management, okay, with the student, with the management, how we can make a very conducive and the learning environment in the school. All these things are discussed in the school psychology. इसी से ही related a one of the more branch is there, and that is the educational psychology. What is the branch? Educational. Educational psychology mein education word attach hai. Education is something related to the whole education system. Whole education system ki baat. So educational psychology look after the education system. Okay, educational psychology something a broad psychology field. School थोड़ा सा लिमिट हो जा रहा है, बट एजुकेशन की जब हम बात कर रहे हैं तो हम पूरे एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहे हैं विच आर हैपनिंग इन डिफरेंट स्कूल. एजुकेशन सिस्टम मीन्स व्हाट आर द प्लानिंग कीमिंग इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, हाउ दोज प्लान, व्हेन द प्लान चेंज, राइट नाउ एनईपी केम एंड बिकॉज ऑफ दैट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सो मेनी चेंजेस हैव बीन केम एंड दिस मे हैव अ वेरी मच अफेक्ट ऑन द माइंड्स ऑफ द पीपल, ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द पीपल. तो ये सारी चीज़ों की स्टडी कौन करता है? विच ब्रांच?
एजुकेशनल साइकोलॉजी ये स्टडी करते हैं. एजुकेशनल साइकोलॉजी दो सी चिल्ड्रन वन मोर थिंग वॉट एवर द फील्ड वॉज देयर एंड दोज पीपल हु वर्क इन दैट पर्टिकुलर फील्ड दे आर नोन टू बी एज साइकोलॉजिस्ट. लाइक दोज हु आर वर्किंग इन द फील्ड ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी सो दे आर नोन एज एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट. उन्हें हम क्या कहेंगे एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट. दोज हु वर्क इन द फील्ड ऑफ स्कूल साइकोलॉजी दे आर नोन एज स्कूल साइकोलॉजिस्ट. उन्हें हम क्या कहेंगे स्कूल साइकोलॉजिस्ट. एजुकेशनल साइकोलॉजी स्कूल साइकोलॉजी ठीक है. एनवायरमेंटल एनवायरमेंटल साइकोलॉजिस्ट क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजिस्ट कल्चरल साइकोलॉजिस्ट ठीक है. तो इस तरीके से उनके नाम रखे जाते हैं ठीक है. डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट ठीक है. सो वी हैव डिस्कस्ड चिल्ड्रन द 9 ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी. If you all have written it down, so I will move forward. आगे बढ़ें. So children, it's very important for you to learn each and every branches. आपको इन सारे branches की knowledge होनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, because it is just the basic. आप basic पढ़ रहे हैं psychology की, and it is a new subject for you all. So please try to focus. एंड अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो यू विल सी दिस वीडियो एंड आस्क मी इन द क्लासरूम. क्लासरूम में आप मुझसे जरूर पूछेंगे. वीडियोज आपको इसलिए पहले भेजे गए हैं कि यू कैन वॉच द वीडियो एंड वेन द क्लासेस विल स्टार्ट यू कैन आस्क द क्वेश्चन इन द क्लासरूम. सो जस्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शन प्रॉपरली एंड डू योर वर्क ओके. चलिए नेक्स्ट ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी 9 आई हैव डिस्कस्ड. The 10th branch, it is the industrial psychology. Industrial or organizational. इसे हम short में IO psychology भी बोलते हैं. Industrial and organizational psychology. IO psychology, इसे हम कहते हैं. ठीक है. आईओ साइकोलॉजी ये वो ब्रांच है साइकोलॉजी का विच डील विद द मैनेजेरियल एस्पेक्ट्स. इंडस्ट्रीज इंडस्ट्रीज में जो प्रॉब्लम्स आते हैं जो एस्पेक्ट्स होते हैं वहां पे उन्हें हम इसमें डिस्कस करते हैं. जैसे सम ऑफ द प्रॉब्लम लाइक टू मैनेज द इंट्रैक्शन बिटवीन द मैनेजमेंट द एंड द एम्प्लॉई. There should be a harmony relationship between the employer and the employee. दोनों में एक relationship जो है अच्छा होना चाहिए. ये बहुत ज़रूरी है उसको maintain करना. Companies में strikes होते हैं lockouts होते हैं उन problem को solve करना. Employee selection properly करना without any bias. So ये सारे कुछ points हैं जो कि IO psychology deal करता है. So आप नोटेड डाउन भी करते जाएंगे इन सारे पॉइंट्स को. तो ये हो गया इंडस्ट्रियल और ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट ये चीज है नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी. द नेक्स्ट ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी इज आफ्टर द इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशन इज स्पोर्ट्स साइकोलॉजी. यस चिल्ड्रन स्पोर्ट्स साइकोलॉजी इज ऑल्सो वन ऑफ द फील्ड. ये भी एक फील्ड है स्पोर्ट्स जिसमें हम लोग स्पोर्ट्स से रिलेटेड वर्क को स्टडी करते हैं. वॉट इज द इफेक्ट ऑफ द टीम ऑन द इंडिविजुअल मेंबर. हाउ इंडिविजुअल मेंबर इज अफेक्टिंग द टीम एंड वॉट आर द एस्पेक्ट विच मेड द टीम टू विन. ओके सो स्पोर्ट्स वॉट आर द स्पोर्ट्स हाउ इंक्रीजिंग और इन्हांसिंग द फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द पर्सन. सो स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट होते हैं हु मास्टर्ड इन दिस पर्टिकुलर फील्ड एंड दे वर्क टूवर्ड इट. सिमिलरली देर आर सो मेनी फील्ड ऑफ साइकोलॉजी एंड आफ्टर द ग्रेजुएशन और आफ्टर द डूइंग द मास्टर द पीपल यूज टू चूज वन ऑफ द फील्ड एंड दे बिकम अ साइकोलॉजिस्ट इन दैट वन. ओके अपार्ट फ्रॉम दिस देर आर सो मेनी अदर फील्ड ऑल्सो विच आई विल डिस्कस यू इन द
next video. So this is for all today. Thank you so much, children.